इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और एक वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरु जी, क्या शक्तिपात का प्रभाव वृद्ध, युवा और शिशु इन पर एक जैसा पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर भी संक्षेप में एक जैसा नहीं पड़ता है। उसका कारण शिशु का भौतिक शरीर भी शुद्ध होता है और उसकी सोच भी शुद्ध होती है। वो अवबोध होते हैं या उनमें तृष्णा नहीं होती है, अपना पराया नहीं होता। लेकिन इसके ठीक उल्टा वृद्ध में शक्तिपात का प्रभाव कम होने का कारण उसने इतना जीवन जिया। उदाहरण के लिए 75 साल या 80 साल का पुरुष है तो जो उसने जीवन जिया, भिन्न भिन्न प्रकार के उसने कर्म किए, तो उससे उसका शरीर अशुद्ध हुआ। अगर वो संसारी पुरुष है तो फिर उसमें बहुत बड़ी भिन्नता होगी। अगर साधक है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसमें उम्र का कुछ लेना देना नहीं है। शिशु, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि शिशु अगर उसका तो सिर्फ संसार में अभी उसने कुछ जाना नहीं, शुद्ध है, वो तो किसी भी शिशु पर किया जा सकता है। लेकिन युवा अगर आध्यात्मिक है तो कोई फर्क नहीं। अगर जो संसार वाला है तो भाई फर्क आ जाएगा, उसके अंदर तृष्णा है और ना जाने कितने प्रकार उत्पन्न हो जाएंगे, फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर वृद्ध पुरुष में भी अगर आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आगे बढ़ा हुआ है तो भाई ज़्यादा फर्क आएगा। कहने को भले ही वो शांत बैठा रहता हो, चाहे कुछ करता रहता हो, मतलब कहने का, लेकिन एक शब्द है तृष्णा। तृष्णा के कारण राग के, तृष्णा राग को पैदा करती है। राग के कारण वास्तव में उसकी आसक्ति भौतिक पदार्थ में बहुत ही ज़्यादा होती है। दिखने को वृद्ध पुरुष में भले लगे कि शांत और चुपचाप बैठा हुआ, उसने लंबी यात्रा की हुई अर्थात सारा जीवन संसार में व्यतीत किया है, व्यवहार किया हुआ, तो उसके अंदर अशुद्धता का और तृष्णा का प्रभाव, लोभ लालच और अज्ञानता का प्रभाव ज़्यादा पड़ गया। ये शक्तिपात में अवरोधक होते हैं। कोई भी मार्गदर्शक या गुरु, मान लो कोई योगी तीनों पर एक समान करे तो शिशु पर ज़्यादा असर पड़ेगा, यानी छोटे बालक पे, लड़के पे असर पड़ेगा, वृद्ध पर कम पड़ेगा। और युवा पुरुष जो भी है, युवक है, उसकी सोच पर, उसके व्यवहार पर, उसकी प्रकृति पर असर पड़ेगा, लेकिन वृद्ध से कुछ ज़्यादा पड़ेगा, यानी प्रभावित होगा। ये अंतर है थोड़ा। गुरु जी, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या शक्तिपात का असर वलय पर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। इस पर
कारण जब गुरु के द्वारा शक्तिपात किया जाता है तो साधक का शरीर, साधक के शरीर के अंदर वो शक्ति प्रवाहित होती है, और वो शक्ति जब सूक्ष्म शरीर में इधर उधर क्रिया करती या प्रवाहित होती है तो उसका वलय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वलय जो उस साधक के कर्मानुसार और योग के अनुसार यानी अभ्यास के अनुसार जो भी उसने अवस्था प्राप्त की है उसी अवस्था के अनुसार ही उसका वलय होता है। जब वलय उसके अवस्था के अनुसार है, जैसे ही बाहर से शक्ति यानी गुरुदेव की शक्ति जब उसके शरीर में जाएगी, वलय पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा? वलय का रंग थोड़ा, क्षमा कीजिए, वलय का प्रकाश थोड़ा तेज हो जाएगा, रंग में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि प्रकाश के अनुसार रंग बदलता रहेगा। जैसे वलय के विषय में बता दूं कि जो बिल्कुल इस मार्ग में नहीं उनका काले रंग का वलय काले कणों से होता, साधक का थोड़ा श्वेत रंग का, थोड़ा बड़ा साइज का तीव्र गति वाला हो जाता। ऐसे अगर योगी है या उच्च श्रेणी का साधक है तो नीले रंग का हो जाता है। तो मतलब कहने का, शक्तिपात का असर सूक्ष्म शरीर में जाता है, सूक्ष्म शरीर को वो रक्षा करने वाला रक्षक वलय होता है, तो उस पर असर पड़ता है, गति पर भी असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। गुरु जी, क्या किसी भी व्यक्ति के योग मार्ग में प्रवेश के लिए या उसके योग मार्ग में उन्नति के लिए शक्तिपात करना आवश्यक है, या बिना शक्तिपात किए भी उसकी योग साधना मतलब हो सकती है आराम से? वैसे अपनी पद्धति है यानी अध्यात्म की पद्धति है, गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तब शक्तिपात करते हैं, और दीक्षा के समय ही स्वीकार कर लेते हैं, और उससे एक अदृश्य रूप में एक रिश्ता जुड़ जाता है जो दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म तारतम्य बन जाता है सदैव के लिए, अनंत काल के लिए, और गुरु शक्ति के रूप में उसके रोम रोम में विराजमान हो जाता है सूक्ष्म रूप से, चाहे दूर रहे नज़दीक रहे। तो यानी कहने का, साधक के शरीर के अंदर उनके गुरुदेव स्वयं उस रूप में यानी चेतन तत्व जैसे रूप में विद्यमान हो जाते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। तो अगर ज़रूरत मान लो कोई कारण होता कि दीक्षा लेने के बाद और उसका साधक कभी उसके नज़दीक नहीं गया यानी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अथवा गुरुदेव ने अंतिम समय में दीक्षा दी फिर उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, तो ऐसे गुरुदेव फिर भौतिक शरीर में नहीं मिलेंगे प्रत्यक्ष रूप से, ऐसी अवस्था में भी दूर हो जाता, तो साधक को अकेले ही अपनी मंजिल तय करनी पड़ती है। लेकिन वो अकेला नहीं है, गुरु शक्ति के रूप में अंदर विद्यमान है। लेकिन आपने थोड़ा और भी उसमें बताया कि बिना शक्तिपात के, देखो आध्यात्मिक जगत में हम बिना शक्तिपात के कितना आगे बढ़ पाएंगे कह पाना बड़ा मुश्किल, अर्थात गति बहुत ही कम होगी। उसका स्पष्ट उत्तर है, अरे स्पष्ट प्रत्यक्ष है कि उसे मार्ग कौन बताए, ये जो गुरु तत्व है अंदर वही मार्ग प्रशस्त करता है अंदर, भले ही बाहर से ना दिखे, भले उसके गुरुदेव कभी ना मिले, लेकिन अंदर ही अंदर मार्ग प्रशस्त करता। ऐसे बहुत से साधक कहेंगे, लो मेरे गुरुदेव नहीं थे, मार्ग प्रशस्त करता है तो मुझे अवरोध क्यों आया? देखो ठीक है, कर्मानुसार अवरोध आएंगे, जब गुरुदेव नहीं है तो उनके अवरोध कौन दूर करे, तो ऐसे साधक को परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, लेकिन जो अंदर गुरुदेव विराजमान है वो सहायता करते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आगे विकास करने के लिए, आगे प्रशस्त करने के लिए, इस मार्ग को आगे बढ़ने के लिए आगे जाएं, तो शक्तिपात होना अति आवश्यक है। जितना गुरुदेव शक्तिपात करेंगे साधक की गति तीव्र होगी, आगे की अवस्था जल्दी मिलेगी। और जिन पर कभी ऐसा हुआ कि शक्तिपात दीक्षा के बाद हुई ही नहीं, तो थोड़ा उन्हें अपना विशेष प्रकार का ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, अवरोध आ जाएगा तो उस अवरोध को उन्हें उसे ही झेलना पड़ेगा, यानी अभ्यासी को, यानी अवरोध को भोगना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के शक्तिपात करना एक मैं जरूरी सा समझता हूँ, हालांकि बहुत से गुरुओं के शिष्य इतने ज़्यादा होते हैं एक बार शक्तिपात कर देते हैं और फिर नहीं, यानी शक्तिपात का अवसर ही नहीं मिलता है, शक्ति इतने ज़्यादा शिष्य होते हैं, तो ऐसे शिष्य स्वयं अपने बल पर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जिनके गुरु शिष्यों से मिलते रहते हैं या शिष्यों का सौभाग्य होता है कि गुरुओं से मिले, अपने गुरुदेव से मिले और उन्हें शक्तिपात उनके ऊपर हुआ है, ऐसा उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वैसे तो मैं शिष्यों को अच्छा ही कहूँगा, सौभाग्यशाली हैं, और ऐसे शिष्यों का मार्गदर्शन उनको होता रहता है और यही मार्गदर्शन आगे चल के उनका जीवन में उन्नति में बनाता है, मृत्यु के बाद निश्चय ही उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शक्तिपात करने का अवसर नहीं मिलता है, संकल्प के द्वारा शक्तिपात कर दिया जाता है या शब्दों के द्वारा मार्गदर्शन कर दिया जाता है कि तुम ऐसा कार्य करो तो ये तुम्हारा अवरोध दूर हो जाएगा, तो ये भी मार्गदर्शन ही है, गुरु का संकल्प ही
जैसे कोई कर्मों का अवरोध आ गया तो अवरोध में कहेंगे अच्छा ऐसा कार्य करो, ये अवरोध दूर हो गया, तो इसमें शक्तिपात हो गया, संकल्प द्वारा शक्तिपात कर रहा कि ऐसा कार्य करो, आदेश दे रहा ऐसा कार्य करो, तो ऐसा कार्य करो अर्थात योग बल लग गया अप्रत्यक्ष रूप से, तो शक्तिपात हो रहा। तो कुल मिला करके कि अगर शक्तिपात हो रहा है तो ऐसे साधक की साधना जल्दी होगी, मार्ग जल्दी प्रशस्त होगा। किसी कारण से शक्तिपात नहीं हो पा रहा तो उसे अपने बल पर आगे बढ़ना होगा। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि यदि कोई नया साधक शक्तिपात करना सीखना चाहे तो वह कैसे सीख सकता है? खैर अच्छा प्रश्न है, आप भी अच्छे साधक हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आप भविष्य में शक्तिपात करें, बल्कि मेरी इच्छा है कि मेरे सभी साधक शक्तिपात करें। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे शक्तिपात करें। सबसे पहले है नियम और संयम। अपने जीवन में संयमित होकर के रहें, और शक्तिपात के विषय में और कुंडलनी के विषय में पहले बोल चुका, शक्तिपात के विषय में बोल रहा हूँ कि जिनकी कुंडलनी उग्र होती है स्वमेव शक्ति ज़्यादा प्रकट होती रहती है उग्रता के कारण, ऐसा पुरुषों के कारण होता है। जब वो अपने नियमों के अनुसार चलेगा, यानी साधक गुरु के बताए हुए नियम के अनुसार चलेगा, यानी इंद्रिय संयम, मन का संयम, और एक इसमें बहुत बड़ा संयम है शक्तिपात के लिए ब्रह्मचर्य। साधक अगर ब्रह्मचारी है तो उसमें शक्ति का उत्सर्जन निश्चय ही ज़्यादा होगा। अगर ब्रह्मचर्य किसी कारण से खंडित हो रहा है तो निश्चय ही वो एक कमज़ोर सा होगा। कमज़ोर मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी की अपेक्षा वो कमज़ोर होगा। यानी इस शक्ति को अर्जित करने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए, महान बनने के लिए ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता हो। ब्रह्मचर्य का मतलब जो स्थूल पदार्थ अधोगति से निकलता रहता है, जब ये रोक दिया जाता है और रोकते समय ये सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होता है, ये अंतर्मुखी होने लगता है अर्थात बनना बंद हो जाता है, तो ओजस रूप में ऊपर की ओर जाता है। तो यही बाद में धीरे धीरे ओजस रूप में जितना उसने अपना मस्तिष्क का विकास कर लिया है सूक्ष्म रूप से, जितनी उसने सूक्ष्म कोशिकाएँ खोल ली हैं, यही ओजस उसके शरीर में यानी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता और फिर तेजस रूप में परिवर्तित हो जाता है। और भौतिक शरीर में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है ब्रह्मचर्य के विषय में, क्योंकि आपने शक्तिपात का विषय उठाया कि शक्तिपात कैसे करें। तो ये जो मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियों में सूक्ष्म रूप से व्याप्त होने लगता है, निश्चय ही सत्य है। तो मांसपेशियों में जब सूक्ष्म रूप से व्याप्त होता है तो बुढ़ापे में ये जो ऊपर की त्वचा है वो जल्दी सिकुड़ती नहीं है, बल्कि युवा जैसी बनी रहती है, अर्थात जो ऊपरी त्वचा का सिकुड़न है देर में होता है, क्योंकि वो तेजस रूप में विद्यमान रहता है। अगर ऐसे ब्रह्मचारी के साधक को चेहरा देखें तो उसकी आँखों में एक विशेष प्रकार का तेज होगा, चेहरे में तेज होगा। अगर वो लड़की ऐसी ब्रह्मचारी है तो उसमें निश्चय ही लावण्यता होगी। लावण्यता का सब तो आप लोग जानते होंगे, विवेचन करने की ज़रूरत नहीं। तो उनमें विशेष प्रकार का आकर्षण होगा, आँखों में आकर्षण होगा, और सारा कुछ ये ब्रह्मचर्य का विषय है, लोग ध्यान नहीं देते। इसका पालन विद्यार्थियों को बहुत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। थोड़ा मैं विषय से एक तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया हुआ कि शक्तिपात कैसे करें, तो अगर विद्यार्थी या साधक इस चीज़ का पालन करेगा तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी। अगर इसका पालन नहीं करेगा स्मरण शक्ति जाती रहेगी। तो मैं विद्यार्थियों को बहुत बताता हूँ, बल्कि संसारियों को भी बताता हूँ, अगर आपको निरोगी रहना है, युवा दिखना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो जहाँ तक ज़्यादा हो सके। अगर पालन नहीं करोगे तो एक बुजुर्ग ऐसा लगेगा, आँखें बुझी हुई हैं, तेज चेहरे का चला गया है, और जल्दी ही वृद्ध भाषित होने लगेगा, 50 साल की उम्र में 65 साल का दिखने लगेगा। तो ब्रह्मचर्य का महत्व शक्तिपात करने में बहुत है। ऐसे साधक को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, और नियमों का मतलब विशेष प्रकार से नियमों का जब ऐसा पालन करेगा तो उसके अंदर निश्चय ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी साधना में। और निष्ठा बहुत अच्छी चीज़ है। जब शक्तिपात कम पड़ने लगे, बहुत ही गूढ़ रहस्य, जैसे इस लड़की ने पूछा असीमित योग बल, इसमें थोड़ा मैं कहूँगा कि असीमित योग बल की ज़रूरत नहीं, निष्ठा के द्वारा भी कार्य होता। निष्ठाएँ तीन प्रकार की, क्या ब्रह्मनिष्ठ, सबसे पहले ब्रह्मनिष्ठ,
सत्यनिष्ठ और गुरुनिष्ठ, अगर ये तीन निष्ठाएं साधक के अंदर आ गईं तो फिर उसको किसी प्रकार का डरना नहीं चाहिए। क्यों? अगर सत्यनिष्ठ होगा, सत्य के बल पर, संकल्प के द्वारा सत्य के बल पर अपना कार्य कर देगा। अगर वो गुरुनिष्ठ होगा तो गुरु का संकल्प करेगा, गुरु को सहायता करना पड़ेगा दृश्य रूप से, तो सारा कार्य होगा। और जो ब्रह्म, ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त, तो ब्रह्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ होना जरा मुश्किल होता है। गुरुनिष्ठ तो हो जाता है, बहुत से साधक होते हैं गुरु में निष्ठा रखते हैं, सेवा करते रहते हैं। सत्यनिष्ठ यानी सत्य जो एक ऐसी चीज़ है, कर्मानुसार कभी न कभी असत्य का भी अनुसरण हो जाता है, नहीं चाहते हुए हो सकता। खैर, आपका जो प्रश्न था, अगर साधक ब्रह्मचारी है, सत्यनिष्ठ है, कर्मों का और नियमों का पालन करने वाला है, गुरु के अनुसार चल रहा है, तो फिर जल्दी से ही शक्तिपात करने का उसे अवसर मिलेगा। क्योंकि ऐसी अवस्था में ऐसा साधक जल्दी से यानी योग बल का स्वामी जल्दी होगा। और सारे जब नियमों का पालन करेगा तो मैं तो यही कहूँगा कि शक्तिपात करने के योग हो जाएगा। हाँ, थोड़ा और बता दूँ, जब ऐसा साधक जो शुरुआत में शक्तिपात करने की कोशिश करेगा, हो सकता है असफल हो जाए, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, अपने आप को संयमित करे और संतुष्ट रहे, धैर्य को धारण किए रहे, फिर दोबारा प्रयास करे। बस बराबर प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। उसका यही है कि शक्तिपात तुरंत तेज गति से नहीं होता है, धीरे धीरे। जैसे मैं स्पष्ट उदाहरण दूँ, आप इस उंगली को संदेश देंगे कि इस क्षेत्र से ज़्यादा शक्ति निकले, हो सकता है ऐसे नए साधक पर संकल्प शक्ति यानी दृढ़ता कम है। अगर दृढ़ता कम है, उसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, तो कम ही योग बल निकलेगा। दूसरे, नया साधक जब शक्तिपात करे तो जिस कार्य के लिए शक्तिपात कर रहा है उस कार्य की सीमाओं को देख ले कि हम कितना शक्तिपात करें उससे कई गुना ज़्यादा शक्ति को प्रवाहित कर दें, तो कार्य संपन्न होगा। हमारा मतलब कहने का, नियमों का पालन करेगा, कठोर साधना करेगा, गुरु के आज्ञा के अनुसार चलेगा, तीनों निष्ठाओं में उसकी दृढ़ता पूर्वक से निष्ठाएं होगी, तीनों निष्ठाएं अभी जो बताएं, पूरी तरह से उसका जीवन व्यतीत होगा, तो साधक में जल्दी ये योग्यता।